वेलकम फ्रेंड्स, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। जी हाँ, आज एक और हम कोशिश करेंगे। ध्यान दीजिएगा, आपसे एक रिक्वेस्ट रहेगी, इस क्लास को पूरा देखिएगा। अगर आप पूरा देखेंगे तो समझ में आने की गारंटी हमारी होगी। पूरा देखिएगा, हम देख रहे हैं कक्षा 7 की गणित, जिसमें आज जो आप देखेंगे वो बीज गणित जो पुरानी किताब होती थी उसके हिसाब से एक कब्बी का ये क्वेश्चन नंबर 7वां है। ठीक है, बीजगणित 1B का क्वेश्चन नंबर 7वां। हो सकता है आपके ये किताब में जो है कहीं और पेज पे हो, लेकिन बीजगणितीय पद का गुणा और ये सवाल NCERT की मैथ में जरूर होगा। अगर आप DLED या फिर वनडे एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए बेसिक मैथ के अलावा ये एडवांस मैथ है, तो ध्यान से देखिएगा, सभी के लिए महत्वपूर्ण होगी। देखिए, कह रहा एक विद्यालय में 2x कक्षाएं हैं। अब आप लोगों को भारी कंफ्यूजन हो रहा होगा, ये 2x कक्षा का मतलब क्या हुआ। मान लीजिए कुछ भी कि 2x कक्षा है, फिर कह रहा कि प्रत्येक कक्षा में विद्यार्थियों की संख्या जो है वो x³ + 2x + 2 है, तो ज्ञात कीजिए क्या। पहला देखिए, विद्यालय में विद्यार्थियों की कुल कितनी संख्या है। व्हाट इज द नंबर ऑफ स्टूडेंट इन द स्कूल, मतलब इस स्कूल में कुल कितने विद्यार्थी हैं, कैसे निकालेंगे, जरा सोचिए। अब एक बार गौर करिए, अगर इसमें कहा जाता कि एक विद्यालय में 2 कक्षाएं हैं, एक विद्यालय में 2 कक्षा है और प्रत्येक कक्षा में विद्यार्थियों की संख्या जो है वो 7 है, अब आप बताइए कुल कितने विद्यार्थी थे, जल्दी से बताइए। यदि विद्यालय में कुल 2 कक्षाएं हैं, प्रत्येक कक्षा में 7 विद्यार्थी है, तो स्कूल में कुल कितने विद्यार्थी हुए। ऑप्शन नंबर पहला है 21, दूसरा है 14, तीसरा है 48। पहले इस हमारे दूसरे वाले बनावटी सवाल का जवाब दीजिए, फिर जो लिखा है उसको हम लोग करेंगे। लगभग लोगों का उत्तर आ गया 14, बिल्कुल सही। कैसे भाई, स्कूल है एक, उसमें जो कक्षा है एक, उस कक्षा में कितने हैं स्टूडेंट, ओ माफ करिएगा, कितनी कक्षा है, 2 कक्षा है और एक कक्षा में कितना विद्यार्थी है, 7 है, तो सिंपल सी बात है, गुणा कर देंगे, 7 × 2 = 14 हो गया। लेकिन अब इससे आपको तरीका मालूम हो गया, उत्तर नहीं मालूम हुआ इसका। यहां से आपको ये अनुभव हो रहा होगा कि कक्षा को विद्यार्थियों की संख्या में गुणा करके कुल विद्यार्थी निकाले जा रहे हैं, तो इसमें भी वही करेंगे, बट इसमें जो करेंगे वो थोड़ा आपको कम दिखेगा, क्योंकि आपको लग नहीं रहा होगा ये 2x 3x ये सब क्या होता है ना। तो गौर करिएगा, यहां पे हम लिखेंगे कुल कक्षाएं, एक अच्छे तरीके से लगाएंगे, कितनी है 2x। अब लिखिए प्रत्येक कक्षा में विद्यार्थियों की संख्या, प्रत्येक कक्षा में विद्यार्थियों की संख्या 60 में लिख लीजिए, कितनी है x³ + 2x + 2। क्लियर। अब लिखिए स्कूल में या विद्यालय में कुल विद्यार्थियों की संख्या, विद्यालय में कुल विद्यार्थियों की संख्या, क्यों, ये तो कक्षा में है ना, क्योंकि कुल कितनी कक्षा चलती है उस स्कूल में, केवल 2 कक्षा चलती है बस, और एक इस कक्षा में जो विद्यार्थी हैं इतने हैं, तो कह रहा पूरे स्कूल में कितने विद्यार्थी हैं, तो सिंपल सी बात है, इसका गुणा कर लेंगे इस पूरे में, जो भी आएगा वो आपका उत्तर कहलाएगा, और लगभग लोगों का इसका आंसर आ भी गया होगा। आप लोग भी जल्दी से कमेंट करके बता दें कितना आ गया सभी का, जल्दी करें, फिर आगे बढ़ते हैं हम लोग, फटाफट देर ना करें। हो गए सभी के कमेंट्स, आगे बढ़ें, हो गए तो आगे बढ़ें। जी बिल्कुल, ठीक है ना। देखिए कैसे करेंगे, ध्यान दीजिएगा, इसको मैं नीचे थोड़ा सा हल करके आपको दिखाऊंगा। भाई प्रॉब्लम ना करो, गुणा कैसे करेंगे गौर करिएगा, 2x का गुणा करना है पूरे में, तो पहले एक एक पकड़ेंगे, 2x का गुणा x³ में करेंगे, तो ये आएगा 2x⁴। लेकिन कैसे आए इसको मैं यहां दिखाता हूं आपको। देखिए 2x का गुणा करना है x³ में, मैंने आपको बताया था दूध में पानी मिल जाता है,
लेकिन पानी में तेल नहीं मिलता है, तो ये है क्या? दूध और पानी, ये मिल जाएगा, बट ये है ऑयल और ये है पानी, तो ये इसमें कभी नहीं मिलेगा। हाँ, अगर आप जबरदस्ती डाल देंगे तो दोनों अलग अलग रहेगा, दिखेगा, बट मिलेगा नहीं कभी। तो इसका गुणा करेंगे इसमें, तो ये दो ऐसे दिखता रहेगा अलग से, इसमें मिलेगा तो घुल जाएगा, घुलने का मतलब इसकी घात एक, इसकी तीन, ये हो जाएगी टोटल घात चार, और इस तरह से आता है 2x⁴। समझ में आया? बीच में क्या लगेगा, अब यहां इसके बाद प्लस था तो ये प्लस हो गया। वही प्रक्रिया अपनाएंगे, 2x का मल्टीपल 2x में करेंगे, तो हम आपको इधर दिखा देते हैं, ये इसमें कोई बुराई नहीं है, आप गुणा बहुत बार करे होंगे, दो का दो में करते हैं तो चार आता है। आवाज थोड़ा गड़बड़ा रही होगी हमें लग रहा है ऐसा कुछ, तो मैं थोड़ा सा कुछ कर देता हूँ क्लियर, अब सही है। देखिए, दो का दो में गुणा किया, चार हो गया। सिंपल सी बात है, आप जानते हैं x का गुणा x में करते हैं तो x घात दो होता है। दो क्यों होता है, इसको आपने बहुत पहले पढ़ लिया था बचपन में ही, है ना, एक घात उस पे एक उस पे जुड़ जाती है। अगर आपको नहीं आता तो कमेंट करिएगा। तो ये हो जाएगा 4x का स्क्वायर और फिर बीच में प्लस, दो का दो में तो ये हो गया 4x। इस तरह से ये आपका क्या आ गया, आंसर आ गया। बट इसमें चाहे तो आप कॉमन भी निकाल सकते हैं, जी हाँ, अगर चाहे तो इसमें आप कॉमन निकाल सकते हैं, नहीं तो ही आपका आंसर हो जाएगा। इसमें क्वेश्चन और कह रहा है, यदि x बराबर 3 तो विद्यालय में कुल कितने विद्यार्थी। जी बिल्कुल, ये तो एक नई आपत्ति आ गई। नई आपत्ति क्या आ गई, वीडियो को पीछे करके लिख लीजिएगा, अगर आप लिख नहीं पाए तो जो मिटा दिए हैं, ठीक है ना, नाराज मत होइएगा, गाली मत दीजिएगा भाई, समझ रहे ना, तो लिख लीजिएगा पीछे करके वीडियो को। इसी में सवाल है, यदि x बराबर 3 तो विद्यार्थियों की संख्या कितनी होगी। मैं शॉर्ट में लिख रहा हूं, यदि x बराबर 3 तो विद्यार्थियों की संख्या कितनी होगी, मुझे तो बोल रहा हूं ना, लिख लीजिएगा, लिखना तो आता आपको। तो x बराबर 3 किस में रखना है, हम जानते हैं जो टोटल आंसर अभी आया है वो इतना था, यही था ना, इसमें x का मान 3 रखना है, रख दो फटाफट 3, बस हो गया। तो ये हो जाएगा 2, ये 3 की घात 4 प्लस 4, ये 3 की घात 2, ये प्लस 4 गुणा 3, हल कर लो बस, आपका आंसर आपके सामने आ चुका है, जल्दी से फटाफट जल्दी करें। 3 की घात 4 का मतलब जानते हैं, 3 त्रिका 9, त्रिक 27, यहाँ हो जाता 81, और ये 2 गुणा 81 बनता है। मैं अभी आपको दिखाऊंगा ये कैसे बनता है, बिल्कुल नहीं घबराना। देखिए, 3 की घात 4 का मतलब ये हुआ, ये 3 को जो है वो 4 बार लिखो, इसका मतलब यही हुआ। 3 का 3 में गुणा कर लो ऐसे, ये 9 हो गया, और ये 3 का 3 में कर लो, 9 हो गया। अब तो आपको कोई विपत्ति नहीं होगी, 9 का 9 गुणा करके अगर 81 लिख दे तो कोई गड़बड़ तो नहीं ना, तो वैसे ये 81 आया था। अब ये गुणा कर लेना है, तो गुणा कर लो भाई, 2 + 2 = 2, 8 = 16, और ये 4 × 9 = 36, और ये हो गया 12। क्लियर, जोड़ लो सभी को, बस हो गया आपका आंसर। ये हो जाएगा 5, 2, 6, 8, 2, 10, हासिल आया 1, 1, 2, 3, 5, 6, 11 हासिल 1 और 1, 1, 2, 210 आ रहा है, जोड़ लीजिएगा अपने हिसाब से जो भी आएगा, तो 210 विद्यार्थी हो जाएगा, जो कि आपकी किताब में भी इतना ही आ रहा है। इसका मतलब आंसर सही है, और ये हमारा क्वेश्चन जो है पूरा हो गया यहीं पे, है ना। आगे चलें तो सवाल ऊपर एक बार फिर से देख लीजिए, अगर कुछ भी आपको गड़बड़ लग रहा है तो आप पूछ सकते हैं। अगले सवाल पे चलें, ऊपर व्हाट्सएप नंबर भी दिख रहा है, अगर आपको लेना है तो वीडियो को रोक करके तुरंत लिख लें, बिल्कुल टेंशन नहीं लेना है, सब कुछ आसान है। दूसरा सवाल, ये तो आपका दूरी और समय पर आधारित है, जी हाँ, चाल और समय पर आधारित ये सवाल बहुत ही महत्वपूर्ण होता है, रेलगाड़ी पर आधारित। रेलगाड़ी आप लोगों ने देखा होगा, बैठा भी होगा, कुछ लोगों ने चलाया भी होगा, तो देखते हैं भाई, चाहे आप चलाए हैं नहीं चलाए हैं, लेकिन ये सवाल आप चला सकते हैं। कह रहा कि यदि एक रेलगाड़ी की चाल 2x² + x + 4 किलोमीटर प्रति घंटे है, किलोमीटर प्रति घंटे का मतलब ये हुआ कि एक घंटे में वो इतना किलोमीटर की दूरी जाती है, ठीक है, जाने दीजिए। तो ज्ञात कीजिए Q
कि वह 3 x घंटे में कितनी दूरी जाएगी। जरा एक बार ठंडे दिमाग से इसको भूल जाइए। अब इसको सोचिए जो मैं बोल रहा हूं। यदि एक रेलगाड़ी की चाल 100 किलोमीटर प्रति घंटा है, अब भाई रेलगाड़ी है तो मैं यहां 5 किलोमीटर तो बोलूंगा नहीं क्योंकि तेज चलेगी, 100 किलोमीटर प्रति घंटे है। अब आपसे अगर कोई बोले 100 किलोमीटर प्रति घंटे उसकी चाल है तो वो 3 घंटे में कितनी दूरी जाएगी, जल्दी से बताइए फटाफट। ऑप्शन नंबर पहला है 100 किलोमीटर जाएगी, दूसरा ऑप्शन है 300 किलोमीटर जाएगी, तीसरा ऑप्शन है 800 किलोमीटर जाएगी। अगर आप इसको बता ले जाएंगे ना तो आप इसको भी कर ले जाएंगे। जी बिल्कुल, मैं इसका एक छोटा सा रूप इधर दिखा रहा हूं, डेमो जिसे बोलते हैं ना, डेमो नहीं, डेमो तो ये वो हो गया सिंपल सा ट्रेलर। जी बिल्कुल समझ गए होंगे आप, 300 हो जाएगा ना, कैसे वो ऐसे कि भाई ये 100 किलोमीटर जो है 1 घंटे में चलती है तो 3 घंटे में कौन सी बुराई है चलने में, गुणा कर लो ना ये 100 का गुणा 3 में तो ये हो गया 300, ये तो आ गया। लेकिन कैसे आया, जितना किलोमीटर प्रति घंटे चाल थी उसमें समय से गुणा कर दिया तो आ गया टोटल कितना जा रही ना, तो बस वही प्रक्रिया इसमें भी करेंगे, चाल जो है ना उसका गुणा कर देंगे किसमें, समय में। लेकिन यहाँ एक आफत यह आएगी कि बहुत से लोगों को ये गुणा ही नहीं आएगी कि कैसे करते हैं, तो जीरो लेवल की पिछली क्लास वो लोग देखें, हमारा यही सुझाव रहेगा। यहाँ पर लिखिए एक सिस्टम के तरीके से, रेलगाड़ी की चाल बराबर क्या है, 2x² + x + 4, ये रेलगाड़ी की चाल है, कुल समय बराबर 3x। अब लिखिए 3x घंटे में तय दूरी इक्वल 3x × 2x² + x + 4, गुणा कर लो भाई, हो गया आपका आंसर क्लियर आपके सामने, तो ये 3 दुना हो जाएगा 6x³ और प्लस 3x का जब x में गुणा करेंगे तो 3x² और जब 3x का गुणा 4 में करेंगे तो 3 × 4 = 12x। बस आपका उत्तर आ गया 6x³ + 3x² + 12x। देखिए कोई ऑप्शन वगैरह मिल रहा है कि बस सब ऐसे लिखा गया फालतू में, ये पहला वाला मिल रहा है ना, जल्दी जल्दी छाप लो भाई, बहुत ज्यादा टाइम नहीं है, बहुत जल्दी करें फटाफट, जल्दी जल्दी छापे। वो आपने सुना होगा ना, नकल करने की भी अकल होनी चाहिए। जी हाँ, बुरा मत मानिएगा बट अकल लगाइएगा और जल्दी से लिखिए, वीडियो को रोक लीजिए तुरंत। ये चाल लेकिन आपको समझ में नहीं आई होगी, आंसर तो आपको मिल गया कि उस रेलगाड़ी की चाल जो है वो 6x³ + 3x² + 12x किलोमीटर प्रति घंटे थी। लेकिन अब आप सोचेंगे ये सब क्या लिखा है यार, ये तो कुछ समझ में नहीं आ रहा, ये कौन सी रेलगाड़ी की चाल है 6x + 5x + 9x, ये कोई समझ नहीं आ रहा है, तो ये समझ में कैसे आएगा, ध्यान दीजिएगा। चलिए मानते हैं यदि x = 2 तो रेलगाड़ी की चाल क्या होगी, क्योंकि x का वैल्यू कुछ ना कुछ रखना होगा तभी तो ये गायब होगा ना, तो चलिए देख लेते हैं x = 2 पर रेलगाड़ी की चाल कितना होगी। ये है 6x³ + 3x² + 12x, एक्स की वैल्यू रख दीजिए 2, तो ये हो जाएगा 6 × 2³ प्लस ये 3 × 2² और प्लस 12 × 2, क्लियर ना इतना। चलो आगे बढ़ाते हैं, ये हो जाएगा 6 × 2³ का मतलब ये होता है 2 × 4 × 8, 3 बार गुणा कर लो, ये हो गया 8 प्लस ये 3 × 2 × 4 और प्लस ये 12 × 2 = 24, इतना सभी को क्लियर हो गया होगा, तो बस आपका उत्तर आपके पास जस्ट आने वाला है, अलाउंस हो चुका है, 6 × 8 = 48 + 3 × 12 + 24। एक बहुत महत्वपूर्ण बात बता रहा हूँ रेलगाड़ी के बारे में, ध्यान दीजिएगा इसको पहले देख लीजिए, तब 4 × 2 = 6 × 8 = 14, यही तो होगा, हासिल आया 1 × 2 = 1 × 3 = 1 = 4 और 4 = 8, गड़बड़ तो नहीं जोड़ा है, 84 किलोमीटर पर घंटा, यानी जा रही थी कुछ तेज, बस वही फैजाबाद पैसेंजर की जैसे स्पीड में थी फिलहाल,
चलो ठीक है भाई, इतना नहीं। देखिए मैं रेलगाड़ी के बारे में क्या बता रहा था कि आपने सुना होगा अक्सर अलाउंस होता है स्टेशनों पर। जैसे मैं अपना एक लोकल की जगह की बात बताता हूँ, 54371 फैजाबाद प्रयाग पैसेंजर के आने का संकेत हो चुका है, ये रेलगाड़ी प्लेटफार्म नंबर 1 पर आएगी। दोनों में अंतर देखिएगा, आप अक्सर आते जाते होंगे, एक बार अलाउंस होता है कि आएगी, और एक बार अलाउंस होता है आ रही है। जब पहला अलाउंस होता है कि आएगी, इसका मतलब सारी प्रक्रिया तय हो चुकी है कि वो आएगी जरूर, और प्लेटफार्म जिस पे आती वो तय हो जाता है। उसके 15 मिनट या 10 मिनट बाद जब दोबारा अलाउंस होता है कि आ रही है, तब वो जस्ट पहुंचने वाली होती है, बस 2-3 मिनट के अंदर तब अलाउंस होता है कि आ रही है। अब आप समझ जाएंगे स्टेशन पे जाएंगे तो कि दोनों में क्या अंतर होता है। कुछ लोग कहते हैं आएगी अगर बोला गया, बस बस आ रही है, लेके सब कुछ खड़े हो जाते फटाफट, बट आती नहीं, वो आधे घंटे बाद आती है। अंतर जान गए ना दोनों में, बहुत महत्वपूर्ण जानकारी है ये, आएगी और आ रही है। आएगी मतलब ये फ्यूचर प्लान है, जैसे हमारे प्रधानमंत्री जी घोषणा करते हैं ऐसा होगा, पर होता नहीं वैसे जल्दी से, बहुत टाइम लगता है उसको होने में, ठीक ना, समझ गए ना। तो ये थी बात, आगे चले। अगला सवाल हम आपको दिखाते हैं, इसको नोट कर लीजिए फिलहाल, आप लोग जल्दी जल्दी से लिखें, देर ना करें, छापें जल्दी जल्दी से। जिन लोगों को अच्छा नहीं दिख रहा ना, वो क्वालिटी थोड़ा सा चेंज कर ले सेटिंग से। इसी में एक आपका और रंगीला सवाल आ चुका है आपके सामने, जो कि आप देख रहे होंगे काफी कलरफुल लग रहा है आपको, जैसे ही रेड है वैसे ही रेड है भी ये रियल में। देखिए इसमें क्या करना है, कह रहा है कि एक बगीचे में कुछ पेड़ों की संख्या है और उसमें कुछ फल भी लगे हैं, तो फिर पूछ रहा है कि बगीचे में कुल कितने फल लगे हैं। बगीचे में 5x आम के पेड़ हैं तथा प्रत्येक पेड़ पर 2x स्क्वायर फल लगे हैं, तो उस बगीचे में कुल कितने फल लगे हैं, मतलब एक पेड़ में जो फल है वो कितना है, 2x स्क्वायर, टोटल पेड़ कितना है 5x। अगर मैं बोलूं कि बगीचे में कुल मिलाकर के 14 पेड़ हैं और एक पेड़ पर 5 फल लगे हैं, तो आप सिंपल में कहेंगे कि 14×5=70, मतलब कि कुल मिला के उस बगीचे में 70 फल हैं। और आजकल बढ़ते प्रदूषण और लोगों की जरूरतों को देखते हुए बहुत कम पेड़ बच रहे हैं और बहुत कम फल लग भी रहे हैं, रियल भी है। लेकिन अब आप इसको कैसे समझेंगे, इसमें भी वैसे गुणा करेंगे, जितना पेड़ों की संख्या है उसका गुणा करेंगे लगे हुए फलों की संख्या से। तो यहां पर लिखेंगे एक सिस्टम से, अगर आप कक्षा 7 या 5-8 में है तो लिखेंगे कुल पेड़ों की संख्या, कुल पेड़ों की संख्या बराबर क्या है 5x। देखिए हमारी आवाज सुनिएगा अगर आपको नहीं सही दिख रहा है तो। अब फिर दूसरे लाइन में लिखेंगे प्रत्येक पेड़ पर फलों की संख्या कितना है 2x का स्क्वायर, यहां ऊपर घात दुई लगेगा भाई, दुई घात। अब लिखेंगे बगीचे में लगे कुल फल इक्वल क्या हो जाएगा, पेड़ों की संख्या इंटू एक पेड़ पर फल की संख्या, तो ये हो जाएगा 5x और गुणा हो जाएगा 2x का स्क्वायर। जब आप गुणा करेंगे तो गिनती का गिनती में और अचर चर का चर में, तो भाई 5 दूना हो गया 10, एक्स का गुणा एक्स का स्क्वायर में, एक घात ये दो घात ये जुड़ के हो जाएगा 3 घात, यानी 10x घात 3 फल लगे हैं। ऑप्शन नंबर बी वाला आपका सही है, जल्दी से नोट कर लीजिए, मैं सामने से हट चुका हूं, बिल्कुल किसी को कोई भी आफत नहीं होनी चाहिए। लिख लिए सभी लोग जी, बिल्कुल लिख लिए होंगे, तो फिर हम आगे चलते हैं। जल्दी से वीडियो का स्क्रीनशॉट ले लीजिए लोग, इसको चाहते हैं कि मैं उतार लूं तो जल्दी से स्क्रीनशॉट लें, या फिर वीडियो को रोक लें तुरंत, नहीं तो मिटा दिया जाएगा। मित्रों अगला सवाल हम लिखेंगे, लेकिन उसके पहले एक बहुत ही महत्वपूर्ण इंपॉर्टेंट अपडेट, आपके पीबीआर स्टडी की ऑनलाइन लाइव क्लास अनएकेडमी के प्लस प्लेटफॉर्म पर लाइव होने वाली है। जी हाँ बिल्कुल, अनएकेडमी का भी एक नया प्रोजेक्ट लॉन्च हुआ है, जो कि जिसके अंतर्गत प्लस कोर्सेज आप पा सकते हैं वहां से। प्लस कोर्सेज का मतलब क्या होता है, इसके बारे में मैं आपको एक वीडियो में बहुत अच्छे से बताऊंगा। यहाँ पे मैं आपको शॉर्ट में बताना चाहता हूँ कि अनएकेडमी पर अभी तक लाइव नहीं होती थी, जो अब वहां पर लाइव क्लास आप कर सकते हैं। और इतना ही नहीं, बहुत एक अच्छा चांस, अगर आप मैथ का कोर्स वहां पे ज्वाइन करते हैं,
आरआरबी का कोर्स, तो आप केवल पीबीआर स्टडी का नहीं, बाकी जो भी ऑल इंडिया में बड़े बड़े एडुकेटर हैं ऑनलाइन जो पढ़ाते हैं, बड़ी बड़ी जो संस्थाने हैं, सभी का कोर्स आप एसेस कर पाएंगे। जी हाँ बिल्कुल, अगर आपको ज्वाइन करना है तो बताइएगा, हम आपको तरीका बताएंगे। अगर आप पीबीआर स्टडी का रेफरल कोड यूज करके ज्वाइन करेंगे तो आपको पूरे 10-15% की छूट मिलेगी, यानी कि आप हजारों रुपए बचा सकते हैं। तो ज्वाइन करना होगा तो जरूर बताइएगा। अगर आप यूपीटीटी यानी कि सीटेट या डीएलएड का कोर्स ज्वाइन करते हैं वहां पर, तो अगर आपने जैसे कि पीबीआर स्टडी का कोर्स वहां पे इसके माध्यम से ज्वाइन किया, तो आप केवल पीबीआर स्टडी का नहीं पढ़ेंगे, आप स्टेट और सीटेट के अंतर्गत जो भी एडुकेटर पढ़ाते हैं ऑल इंडिया के सभी, उन सभी का कोर्स आप पाएंगे। ठीक है, तो बहुत अच्छा चांस है। आप अनअकैडमी का प्लस जो कोर्सेज है इनको सब्सक्राइब करें और परचेज करें, ठीक है ना। कोई प्रकार की अगर आपको सहायता चाहिए इससे रिलेटेड, तो आप हमें निसंकोच कॉल कर सकते हैं या व्हाट्सएप कर सकते हैं। अगर आप हमारे माध्यम से यूज करेंगे, आपको लिंक दे दिया जाएगा, तो आपको पूरा का पूरा 10-15% की छूट मिलेगी, यानी कि आप अपना हजारों रुपया सेव कर सकते हैं। जी हाँ, इस पे आप हमें संपर्क कर सकते हैं। इसके अलावा आप ईमेल भी कर सकते हैं, जो कि है pbrstudy@gmail.com। इस पे भी आप अपने विचारों को साझा कर सकते हैं। अगर आप कंप्लीट कोर्स चाहते हैं तो अवश्य कॉन्टेक्ट करें और अनअकैडमी पर फॉलो करें, सब्सक्राइब करें अनअकैडमी पर, जिससे आप ऑल इंडिया के सभी एडुकेटर की क्लास को देख सकें। केवल पीबीआर स्टडी नहीं, सभी का, जितने भी एडुकेटर ऑनलाइन पढ़ाते हैं ऑल इंडिया में, सभी का आप कोर्स एसेस कर पाएंगे। तो हुई ना ये बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी। और हाँ, डिस्क्रिप्शन में दी गई लिंक के माध्यम से आप लोग जो भी चैनल आपको दिए गए हैं पीबीआर स्टडी के और भी छोटे बड़े चैनल, उन्हें सब्सक्राइब कर लें, नोटिफिकेशन की बटन को ऑन करें, जिससे कि आपको सभी क्लासें मिलती रहें। तो आज की क्लास लगभग इतना ही होगी, काफी अच्छी क्लास हो चुकी है आपकी, आप लोग काफी कुछ समझ चुके हैं। जो भी विचार होंगे अवश्य कमेंट करिएगा, इस क्लास को लाइक करके जाइएगा। अगर आप हर दिन क्लास चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करिएगा, नीचे रेड कलर में लिखा होगा सब्सक्राइब, उस पर क्लिक करेंगे, बगल में बेल आएगी उसको दबाएंगे, जिससे कि नोटिफिकेशन मिलती रहे। तो मैं राजकुमार यदुवंशी फिर से एक नई क्लास एक नई उम्मीद के साथ, तब तक के लिए आप सभी को बहुत बहुत शुक्रिया। इस क्लास को अपने दोस्तों में शेयर करके जाइएगा, यही हमारी आपसे एक रिक्वेस्ट रहेगी। करेंगे ना जी, बिल्कुल, इन्हीं बातों के साथ फिर अगली क्लास में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।